फिल्म अभिनेता सोनू सूद शुक्रवार को मोगा विखे अपने ई रिक्शा वंडन की मुहिम की शुरुआत करने लिए पहुंचे। इस मौके उन्होंने 8 जरूरतमंद लोगों को ई रिक्शा दियां चाबियां भी सौंपियां। इस मौके उन्होंने भैन मालविका सूद सच्चर तो इलावा उन्होंने भरजाई गौतम सच्चर तो इलावा उन्होंने बड़ी गिनती च प्रशंसक भी मौजूद सन। इस दे नाल ही उन्होंने दस्सिया कि 5 लाख देश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश नाल उन्हां द्वारा स्पाइस मनी कंपनी भी खोली गई, जदों कि अगले 3 सालों विच उन्हां दा टीचा है कि वह इस कंपनी नाल जुड़ के 1 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करनगे। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि मोगा प्रशासन द्वारा उन्हां दी माता मरहूम सरोज सूद के नाम से रखे गए 1 सड़क का नाम उन्हां दी जिंदगी की सब तो वड्डी प्राप्ति है। मोगा तो भजन लाल की रिपोर्ट, पंजाब हरियाणा लाइव न्यूज़। उषा जी, आपको आज रिक्शा मिली है, ई रिक्शा किसने दिया और आप क्या कहना चाहोगे? सोनू सर ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनकी वजह से हम लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी कोई। आपको रोजी रोटी के काबिल बनाया है, आप कहाँ के रहने वाले हो पहले तो ये बताइए। मेरे हस्बैंड यही मोगे के रहने वाले। वो चल फिर सकते हैं? उनकी क्या स्थिति, आपके घर वाले की कैसी हालत है? नस उनकी ब्लॉक है। तो अब आपको जैसे ई रिक्शा मिला है तो इसे कौन चलाएगा, कैसा लग? मेरा छोटा देवर है वो चलाएगा और हमको मिल के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं, सोनू सर को। मैं कंटेक्ट में आई, जो रामू भैया हैं उनके जरिए आए हैं। जी सर, भाग सिंह जी। भाग सिंह जी, आज आपको सोनू सूद जी ने रिक्शा दिया है, धन्यवाद उसका। हमारी रोटी रोटी पाई है उसको, गरीब आदमी को। आप संपर्क में कैसे आए इनके? बहुत बढ़िया है। किमें मिले तुसी इन्हां नूं? सोनू सूद बारे की कहना चाहोगे? बहुत शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है? संदीप। आज आपको सोनू सूद ने रिक्शा दिया, ये रिक्शा दिया है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद करना चाहते हैं जी इसको। आप इनके संपर्क में कैसे आए? इनके मैं कूड़ा चक रहा था, हम बोले थे उनको किसी बंदे को, उन्होंने सोनू सूद के यहाँ कूड़ा उठाते हो कैसे? हाँ, कूड़ा उठाते थे। किसने दिया आपको रिक्शा ये? सोनू सूद ने। क्या बोलना चाहेंगे सोनू सूद के बारे में? तो बहुत कुछ बोलेंगे जी, मतलब गरीबों के लिए बहुत किया। मुझे लगता है कि टेम्परेरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जो एक कोई इवेंट आता है, लोग अक्सर हमेशा सोचते हैं कि आज मेरा किसी का जन्मदिन है, आज या कोई फलानी एनिवर्सरी है, उस दिन आप काम करिए और फिर बाकी आप 365 दिन भूल जाने कि आप सोसाइटी लिए की करना है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ता जिंदगी लेनी चाहिए, जो भी थोड़ी क्षमता है। और मैंने लगता है कि जिन्नी देर तीन सोसाइटी में वापस नहीं देंगे उन्नी देर थोड़ी कामयाब नहीं हुई। मेरे मदर हमेशा मैंने कहते कि थोड़ी कामयाबी उस है जो तुम उस बंद की मदद कर सको जो थोड़े तो एक्सपैक्ट नहीं कर रहा। सो आई थिंक हूँ ये मेरा शहर मोगा जिते असी वे हुए हैं अज उ शुरुआत की है, पूरे इंडिया से अं दे रहे हैं ये रिक्शा, सारिया स्टेट्स में दे रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद मोगा और मालविका ऑफकोर्स गौतम इन्ना काम करते आए मोगा, मैं हमेशा मोनीटर भी कर रहा जो लॉकडाउन से कि इन्होंने काम किया। पर मैं लगे कि अज जो वापस मैं आया तो वो लोगों जिन्हों रोज़गार की जरूरत है उन्होंने आइडेंटिफाई किया गया। बहुत सारे लोग हैंडीकैप ने जिन्होंने नहीं रोज़गार का साधन मिल रहा है, अब जो उन्होंने ई रिक्शा मिलन गया तो ना सिर्फ अपने शहर लिए एक पॉल्यूशन फ्री मैसेज आऊगा, बट ऑल्सो कि हाँ किस तरह तुम अपने उपर रिस्पोंसिबिलिटी लैके अपनी फैमिलीज का ध्यान रख सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लैवल थोड़ा वधूगा। आई थिंक वो बड़ी एग्जाम्पल है और मैं देश अपने शहर के भी सारे जिन्हें लोग मैंने सुन रहे हैं उन्होंने भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत जरूरी है कि तुसी एक परिवार की एक इंडिविजुअल की रिस्पोंसिबिलिटी अपने उपर लो कि मैं यार यदि फीस भरना चाहवाँगा या मैं वो मेडिकल का थोड़ा खर्चा ले लाँगा या मैं वो दवाइया का खर्चा ले लाँगा या मैं उन्होंने कोई ना कोई जॉब ही दे दाँगा जो मेरी कोई शॉप है कुछ है। क्या है कि ज़रूरत बहुत सारी है और ज़रूरत पूरी करने वाले बहुत घट लोग, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सारे ने अगे आन और बदलन और मोगा शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट्स अदर सिटीज़ कि यार इस शहर के सोसाइटी ऐसे लोग ने जोड़े वध चढ़ के अगे तो अगर लोगों की मदद कर देने। कि रिक्शा वंडिया जा रही अभी शुरुआत 8 रिक्शा हूँ अज दे रहे हैं
लिस्ट होर भी जो की जरूरत होगी असी विल डेफिनेट ट्राई टू हेल्प मोर बट असी ऑल ओवर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਨਲ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਿ 0% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਡਮੈਨ ਬਣਗੇ ਤੋ ਸਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ 0% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪਾਈਸ ਮਨੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਏਟੀਐਮਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸਾ ਸੈੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਕੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਕੇ ਮੈਮ ਸੋਹ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ